नमस्कार, न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिमा विश्वास, बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। हम चलते हैं शारीपुर स्कूल के सामने, जहां पर ईस्ट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इनका अहम उद्देश्य था बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ स्कीम तथा आवश्यक वस्तुओं पर GST पर जिस तरह बढ़ोतरी हुई है उन्हें कम करना। हम बताना चाहेंगे कि आज पूरे भारतवर्ष में सभी जगह कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस विषय में हमारे संवाददाता ने कांग्रेस कर्मियों से बात की। आइए चलिए देखते हैं हमारे संवाददाता रोहित के साथ। तो नृत्य से हट कर बात करता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये प्रण ली है कि अगर आप मुद्दे पर नहीं आओगे तो आपको हम लोग मुद्दे पर ला देंगे। दोस्तों और साथियों, मुद्दे पर लाने पर आपको मजबूर कर देंगे, हिंदुस्तान के हर घर तक आवाज पहुंचा देंगे, क्योंकि इस देश में 75 वर्ष के पहले जो आजादी मिला उसका झंडा हर देशवासी के दिल में है। दोस्तों और साथियों, अगर झंडा लगाएंगे तो हम देशभक्त होना जरूरी नहीं है, देशभक्त हर हिंदुस्तानी है। दोस्तों और साथियों, आपको बता दूं, इस मोदी सरकार जिस प्रकार एक युवा के नाते इस मंच से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार 2 करोड़ नौकरियां देने की वादा की थी, क्या इस सरकार 2 करोड़ नौकरी दे पाई? आज हर एक युवा पूरे भारतवर्ष में कोने कोने में धरने में है। 2 करोड़ नौकरी क्या 2 लोगों तक ठीक से नौकरी देने में नाकाम रही ये सरकार। चाहे पेट्रोल के दाम ले ले, चाहे डीजल के दाम ले ले, चाहे अग्निपथ की स्कीम हो जाए, चाहे राशन कार्ड से चीनी हो जाए, हर चीज को उन्होंने खत्म किया है। आज ये लड़ाई हर एक युवा की लड़ाई है और जितने माता बहने यहाँ पर उपस्थित है पूरे 130 करोड़ आबादी की लड़ाई है। ये सरकार अपनी तेल और महंगाई की बात जब करनी आती है तो इन्होंने ईडी को बुला देता है, CBI बुला देती है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूँ, एक युवा के नाते ये जितना भी ईडी CBI कर ले, ये कांग्रेस पार्टी है, हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। पूरे भारतवर्ष में हमारे सोनिया जी, हमारे राहुल जी, हमारे माननीय सांसद जी जिस प्रकार हमारे पूरे भारतवर्ष में संघर्ष कर रहे हैं, हम पूरे कोने कोने तक, पूरे भारत से कन्याकुमारी से लेकर अंडमान निकोबार तक हमारी आवाज को इसी प्रकार हम रखेंगे, हम डरेंगे नहीं। आप चाहे ईडी बुला ले, चाहे CBI बुला ले, और जितने भी हमारे देशवासी, हमारे युवा साथी, हमारे माताएं, हमारे बहने, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित है, आप सबसे अनुरोध है कि इसी प्रकार हमें हमारी लड़ाई को अब लड़नी चाहिए, क्योंकि इन लोग लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर रखे हैं। आगे इन्हीं शब्दों के साथ चुनाव 2024 में खड़ा है हमारा प्रिय नेता राहुल जी, पूरे भारतवर्ष में संघर्ष करते आ रहे हैं, उसी जैसे हम पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी प्रकार संघर्ष कर जिस प्रकार 2019 में हमारे एकमात्र सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी और कांग्रेस पार्टी का झंडा ऊंचा किए थे, उसी प्रकार मुंह तोड़ जवाब हमें फिर से 2024 में इन्हें देना है। ये याद रखिएगा मेरे दोस्तों और भाइयों, मुझे आज बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल है, आज करंट की क्या हालत है, पूरे भारतवर्ष में हो जाए चाहे अंडमान में हो जाए, यह आम लोग जनता जानती है। ये सब को कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं हर मंच पर, हर वक्त पर कहता हूँ कि ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही नहीं, पूरे 130 करोड़ आबादी की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम इसी प्रकार आगे जारी रखेंगे, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी कांग्रेस पार्टी आम जनता के लिए खड़ी है और खड़े रहेगी। इन्हीं संशक्तों के साथ जय हिंद, जय कांग्रेस। अंशु भाई का विचार सुनने के बाद हमारा धरना यहाँ अपने खत्म चरम सीमा में है। मैं यहाँ के डायनामिक नेता अमित सेलम जी से अनुरोध करता हूँ प्रोग्राम को खत्म करते हुए अपना 2 विचार रखें। सबको नमस्कार मेरा भाई दोस्तों, आज पूरा देश में अंडमान निकोबार मिलाकर के आज पूरा देश में ये मास धरना का प्रदर्शन चल रहा है। ये हमारा मास धरना कांग्रेस पार्टी आयोजन किया केवल कांग्रेस का कार्यकर्ता के लिए नहीं है, कांग्रेस का ऑफिस बेरर के लिए नहीं है, कांग्रेस का
नेता लोग के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरा देश के लिए मेरा भाई दोस्तों, ये पूरा भारत देश में जो भी गरीब है, जो भी व्यापारी वर्ग है, जो भी मजदूर है, जो भी लेबर कैटेगरी है, उनके लिए कांग्रेस पार्टी आवाज देता है मेरा भाई दोस्तों। मेरा भाई दोस्तों, आप सभी जानते हैं 2014 से पहले, आज से 8 से पहले, 8 साल का पहले सिलेंडर का दाम किया था 414 रुपए में बिक्री किया वाला सिलेंडर, आज बीजेपी सरकार आने के बाद में 8 साल के अंदर में 1130 रुपया में बिक्री होता है। हर चीज महंगा है, पेट्रोल, डीजल, दाल, चावल, हर चीज में आज जमीन से आसमान में चले गया मेरा भाई दोस्तों। मेरा भाई दोस्तों, आज आजादी का 70 साल के बाद में जो चावल, दाल, दूध, दही, हर चीज में जीएसटी डाला वाला ये खतरनाक गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट को हटाना मेरा भाई दोस्तों। और 2 साल बाकी है, आप सभी जानते हैं जो भी जन विरोध का काम करता है बीजेपी गवर्नमेंट, उसका विरोध में जो भी बात करता है, आवाज उठाता है, उसको खरीदता है, नहीं तो उसको अंदर करता है, डरा के रखता है, मानवाधिकार को खत्म कर चुका है। नमस्कार, नुसाबतक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित, इस वक्त हम खड़े हैं शादीपुर स्कूल के सामने, और हम आपको बता दें आज यहाँ पर इस ब्लॉक जो है उनके तरफ से आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ। और हमारे साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में, साउथ अंडमान ही नहीं, हमारे अंडमान निकोबार में आज सारे जगह पर आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन हो रहा है। ईस्ट ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक है सारा ब्लॉक पर हो रहा है। और अब हम ईस्ट ब्लॉक पर खड़े हैं, तो आइए अब हम इस विषय में मुत्तू रमन जी से अब हम बात करेंगे। पहले मीडिया वाला का धन्यवाद, और हमारा ईस्ट ब्लॉक का मुख्य कार्यकर्ता और हमारा भाइयों बहनों सभी आया, उसका पहले धन्यवाद बोल देंगे। ये हर ब्लॉक में अभी मीटिंग है, हमारा ईस्ट ब्लॉक में मतलब कम टाइम में हमारा सारा ब्लॉक में बोला, सारा लड़का लोग का आया है, सभी उसके लिए क्यों आया बोलने से सभी के तकलीफ है। पहले बीजेपी गवर्नमेंट क्या बोला आपको जानता है, सभी का जानकारी है, वो कोई भी है मतलब सिलेंडर का ऊपर रखकर आपका दाम ज़्यादा हो गया करके इतना चिल्लाया था, वो स्मृति रानी से रहकर सार लीडर लोग बोला, अभी उसने कहाँ किया पता नहीं है, अभी प्याज है, कुछ भी है, आलू है, सारा माला डाल के घूमता था। वो टाइम कांग्रेस रहने के टाइम आपको मालूम है, सारा आदमी बोला है और कांग्रेस के टाइम में इतना महंगा हो गया, 70 साल से पूरा मतलब हर चीज़ का दाम ज़्यादा हो गया करके इतना चिल्लाया था, लेकिन अभी डबल ट्रिपल हो गया। उसने बोलने वाला आदमी किधर है, कभी नौकरी दिया, कितना आदमी की नौकरी देगा बोला, अभी आज तक प्राइवेट का देख रखा है भाई, इतना आदमी अनएम्प्लॉयमेंट था, कम से कम कुछ आदमी के नौकरी देने से अभी हम लोग इतना सारा गर्म है, लेकिन टाइम आएगा अभी सब एक साथ उतर कर अभी बीजेपी वाला का मालूम होएगा, जल्दी से जल्दी ये होने वाला है, इसीलिए सबका तकलीफ है, गरीब हो, आम आदमी हो, कोई भी है, अभी इतना तकलीफ है, नौकरी के अगर पढ़ाई तो हो गया दो मतलब तकलीफ से आदमी लोग को पढ़ाई करा, लेकिन उस लोग को कोई नौकरी नहीं है, एक एक घर में 2-3 बच्चा लोग हंसी हंसी है, हंसी रहेगा लड़का लोग क्या होएगा, खराबी होएगा, कम से कम कुछ अगर कोई डिपार्टमेंट का प्राइवेट में देख रहेगा कोई सोल्यूशन, अगर दोबारा कांग्रेस आएगा हर जीस में और हर जामान का कोई भी क्या हर चीज़ का रेट कमती होएगा और हर अनएम्प्लॉयमेंट का नौकरी भी मिलने का दोबारा कांग्रेस का हमारा भाई लोग सभी आया है, अभी ये तो आया है, अभी तो ठीक है, अभी टाइम आएगा 2026 में 24 में इलेक्शन आएगा, दोबारा MP लोकसभा इलेक्शन आएगा, उसमें ज़्यादा सीट बगड़ेगा, दोबारा कांग्रेस बैठेगा, सभी के सुविधा होएगा करके बोल के धन्यवाद। आइए अब इसी विषय में हम यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलैयाराजा जी से अब हम बात करेंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद न्यूज़ अब तक को। देखिए आज हम लोग इस विषय में पूरे भारतवर्ष में महंगाई के खिलाफ, GST के खिलाफ, आपका अग्निपथ स्कीम को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसी प्रकार हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हमारे एकमात्र सांसद के नेतृत्व में नॉर्थ ब्लॉक,
वेस्ट ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और अब यहाँ पर हम ईस्ट ब्लॉक पे पहुँचे हैं। और युवा कांग्रेस भी आज वेस्ट ब्लॉक के साथ हाइडो में प्रदर्शन किया है। आज सभी को पता है युवा क्या हाल में है। 2 करोड़ नौकरी देने की वादे थी, 2 करोड़ नौकरी क्या 2 लोगों तक ठीक से नौकरी दे नहीं पाई। पूरे भारतवर्ष के हर एक युवा साथी कहीं ना कहीं धरने में बैठे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ़ ये युवा कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी हमारे राहुल जी और सोनिया जी और हमारे कुलदीप राय शर्मा जी के नेतृत्व में पार्टी के लिए, हमारे एक युवा साथियों के लिए रोड में उतरने के लिए तैयार है। आप चाहे ईडी बुला ले, चाहे सीबीआई बुला ले, हमारा आवाज़ पूरे भारतवर्ष में 24/7 हमारे युवा साथियों के लिए उठाएंगे हम लोग। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो अब हम बात करेंगे महिला मोर्चा से जुबैदा, जुबैदा मैम्स, तो आइए अब हम इनसे बात करें। सबसे पहले मैं आपके चैनल का के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो एक बीड़ा उठाया है महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, आपने देखा ये हर ब्लॉक में आज हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, जबकि हमारे शीर्ष नेतृत्व तो हमारे सोनिया जी और राहुल जी और हमारे यहाँ पर हमारे प्रिय सांसद कुलदीप राय शर्मा जी के नेतृत्व में हमारा ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। जैसा 2014 में हम लोगों से एक भूल हुई थी कि लोगों ने कमल का फूल को बहुत अपना समझ के वोट दिया था, लेकिन वो बोलते ना भूल, वो बहुत बड़ा भूल था। आज लोगों को एहसास हो रहा है कि 2014 से पहले जो कांग्रेस सरकार थी वो टाइम में बहुत अच्छा था, लेकिन आज जो परिस्थिति है वो वैसा नहीं है। तो उस परिस्थिति को हम अपना माकूल लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है कि हर गली कूचा में इस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हम अपना आवाज़ को बुलंद करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ईडी आ जाए, सीबी आ जाए, इसका डर कांग्रेस पार्टी को कतई था नहीं और होगा भी नहीं। मैं आपके चैनल का इस बात के लिए भी धन्यवाद करूंगी कि जब जब हमारा कार्यक्रम होता है तो आप हमेशा आकर हमारा जो है प्रोग्राम को आप कवरेज करते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी। और बाकी सारा मुद्दा तो हमारे भाइयों ने बताया है, हमारे यहाँ के बेरोजगार जो है आज रोड में घूम रहे हैं, बोले थे नौकरी का वादा करके आए थे, बोले महंगाई कम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। आज 8 साल हो गए उनको सत्ता में रहते हुए, लेकिन आज लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, हर घर से आवाज़ आ रहा है कि महंगाई कम करो, बेरोजगारी बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं कि आज देखो क्या हालात है। देश का परिस्थिति जैसा देख रहे हैं वैसा नहीं है, पिक्चर कुछ और दिखा रहा है, दिखाया जा रहा है और पोस्टर में कुछ और दिख रहा है। ये तो समय आएगा कांग्रेस पार्टी अपना आवाज़ को और बुलंद करेगी और हर मोर्चा में कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ा रहेगी, चाहे वो गरीब हो, महिला हो या बेरोजगार हो, सभी के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से साथ थी, साथ है और हमेशा रहेगी। और यही आशा करती है और यही आह्वान करती है कि जनता से कि आप लोग कांग्रेस का छत्र छाया में आइए और एक अच्छा सरकार, कांग्रेस का सरकार, उसको लाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो जैसा अभी हमने यहाँ पर ईस्ट ब्लॉक पर हमने अभी कवर किया, तो हम आपको बता दें आज सुबह से यहाँ पर जितने भी सारे ब्लॉक है, सारा ब्लॉक पर कांग्रेस पार्टी अपना मास धरना प्रोटेस्ट वहाँ पर कर रही है। तो हम आपको और भी दिखाते हैं, हमारे साथ आप इसी तरह बने रहे और हमें लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, आप सच देखेगा अंडमान।